ये देखिए हमारी मैकरोनी जो है बनके तैयार हो गई है। ये बड़ी टेस्टी लाजवाब लग रही है। हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मैकरोनी, जो बेहतरीन मैकरोनी है। अब इसे हम पानी में थोड़ा उबालेंगे। उबालने के बाद पूरा रेडी करते हैं, एक बेहतरीन वाली मैकरोनी बनके तैयार हो जाएगी। हमने ये मैकरोनी जो है इस पर पानी में उगलने के लिए रख दी है, और इतना हम एक चम्मच लगभग हाफ चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। नमक डालने के बाद ये थोड़ा टेस्ट जो है इसका अंदर पहुंच जाएगा, थोड़ा हिला देंगे इसे हम। दोस्तों ये बेहतरीन वाली मैकरोनी बनने वाली है, जो आप होटल पे खाते हैं उससे ज़्यादा मज़ा आए तब मानिएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, रिफाइंड चिपके ना आपस में, इसे चला देंगे हल्का सा। इसे 4 से 5 मिनट तक इसे उबलने देंगे। तो ये हमारी उबल के तैयार हो गई है। अब हम इसे इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद अब इसमें हम कुछ ठंडा पानी डालेंगे, जिससे ये आपकी मैकरोनी जो है वो अलग अलग थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे चिपकेगी नहीं। तो देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया चमक रही है, आपको आप देख सकते हैं इसे। अब हमने मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले देखिए हमने कौन कौन से लिए। ये हमने सोया सॉस लिए, ये मीठी चटनी लिए, ये ग्रीन चिली, ये देखिए हमने मटर, यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन, और आपका प्याज, और आपका टमाटर, और आपका बंद गोभी, और एक हमने मसाले का पैकेट लिया है छोटा। चलिए हम फ्लेम जला देते हैं और हम अपनी कढ़ाई को रख देते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा इसमें तेल डालेंगे, रिफाइंड ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें। दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले हमने इसमें लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद इसमें हमने प्याज डाला। प्याज डालने के बाद इसमें हमने हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें हमने टमाटर डाल चुके हैं। अब इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, इसमें दे रही पत्ता गोभी, और हम इसमें मटर भी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हल्का नमक डाल देते हैं इसमें, ताकि जो सब्जी वगैरह है उसका कच्चापन जो है निकल जाए। ये 1/2 चम्मच में हल्दी डाल देते हैं, ताकि इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा बन के निकल गए। और ये 1/2 चम्मच इसमें धनिया डाल देते हैं। अब थोड़ी देर से भून लेते हैं। और इसमें हम सोया सॉस डाल देते हैं। अब इसमें मीठी सॉस डाल देते हैं। इसमें हम ग्रीन सॉस डाल देते हैं थोड़ी। हम मैकरोनी डाल देते हैं। और ये बड़ी आराम से चलाना है इसे। दोस्तों ये डालते हैं मैजिक मसाला। अब ये चला देंगे हल्का हल्का, इसका थोड़ा फ्लेम हल्का रखेंगे। ये हमारी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। अब इसका टेस्ट लेके देखते हैं कैसी है।
ये देखिए हमारी मैकरोनी जो है बनके तैयार हो गई है। ये बड़ी टेस्टी लाजवाब लग रही है दोस्तों, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।